Welcome to my channel Cheese Bites. Today's recipe is spicy gawran chicken curry. But before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel Cravings. चिकन स्टॉक बनाने के लिए मैंने लिया है देसी चिकन 1 केजी, कटा हुआ प्याज 2 कप, तेल, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। चिकन करी के लिए भुना हुआ प्याज 1.5 कप, लहसुन की कलियां 12 से 14, भुना हुआ सूखा नारियल 3 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3, अदरक 2 इंच, कटा हुआ टमाटर 1 कप, पुदीने के पत्ते 10, धनिया 1/2 कप, भुना हुआ जीरा 2 टीस्पून, सफेद तिल और खसखस 1 टीस्पून, कांदा लहसुन मसाला 5 टेबलस्पून, चिकन मसाला गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। 15 से 20 मिनट तक हल्दी पाउडर और नमक लगा के चिकन को मैरिनेट कीजिए। अब एक कुकर में 3 टेबलस्पून तेल डालें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से भूनें। अब उसमें देखिए अच्छे से प्याज भून चुका है, तो अब उसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ डालें। अब उसे कवर करके 5 से 8 मिनट तक पकाएं। अब 2 ग्लास पानी डाल के उसे अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर 3 से 4 सीटी होने तक उसे पकाएं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है भुना हुआ प्याज, लहसुन की कलियां, सूखा भुना हुआ नारियल, अदरक और हरी मिर्च, टमाटर, खसखस और सफेद तिल, जीरा, पुदीने के पत्ते और धनिया। इसकी मैंने बारीक पेस्ट बना ली है। अब एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम कीजिए। इसमें डालिए तेजपत्ता। तेल गरम होने के बाद तेजपत्ता और इसमें जाएगा अब पेस्ट। इसे अच्छे से भूनें धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट तक, अच्छे से इसका तेल छूटना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन स्टॉक 1/2 कप। अब इसमें मैं डालूंगी सब मसाले, कांदा लहसुन मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए मैंने धीमे आंच पे इसे 10 मिनट तक पकाया है, तो इस पे अच्छा सा तेल आया है छूटा हुआ, देखिए। अब इसमें मैंने चिकन पीसेस और स्टॉक डाला हुआ है और 10 मिनट तक वापस लो फ्लेम पे पकाया है। नमक डालिए स्वाद अनुसार और इसे गार्निश कीजिए धनिया के साथ और इसे गरम गरम सर्व कीजिए। यह आपका गावरान चिकन रेडी। इट्स वेरी स्पाइसी।